साना साना हाथ जोड़ी। आज का हमारा ये चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत मतलब एक ट्रेवल ब्लॉग है, जिसमें हम लेखिका मधु कनकारिया जी के साथ सिक्किम के खूबसूरत वादियों में घूमेंगे और तो और भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कटाव के स्नोफॉल का भी आनंद लेंगे। तो यात्रीगण अपनी सीट बेल्ट बांध लो और चलो चैप्टर शुरू करते हैं। कहा था ना सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये यात्रा शुरू होती है जब लेखिका मधु कनकारिया जी अपनी दोस्त मड़ी के साथ ट्रेन से होते हुए सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचती हैं। गैंगटॉक खुद में एक बड़ा ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो लेखिका का दिल जीत लेता है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर भी बताती हैं, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। और जब शाम के वक्त लेखिका पहाड़ में बसे गैंगटॉक से नीचे के शहरों को देखती हैं, तो उन्हें घरों की टिमटिमाती लाइटों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान नीचे जमीन पे आ गया हो। वैसे अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु आसपास खिले ढेर सारे खूबसूरत फूलों को देखकर वे खुश हो जाती हैं। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर जूमथांग देखने अपनी दोस्त मड़ी और वहीं के एक लोकल ड्राइवर जितेंद्र नारगे के साथ रवाना हो जाती हैं। वैसे जितेंद्र नारगे ड्राइवर के साथ साथ एक अच्छे गाइड भी थे। गैंगटॉक से यूमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखी जो ध्वज की तरह फहरा रही थीं। लेखिका को गाइड जितेंद्र नारगे ने बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद ब खुद नष्ट हो जाती हैं और कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं भी फहरा दी जाती हैं। थोड़ी देर बाद आगे चलकर लेखिका की दोस्त मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। गाइड जितेंद्र नारगे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। थोड़ी देर के बाद जितेंद्र नारगे जीप को बड़ी ही खूबसूरत जगह पर रोकते हैं जहां सामने लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरी वेग से बह रही तिस्ता नदी थी और आसपास के खूबसूरत फूल प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। तभी लेखिका का ध्यान वहाँ कुछ गरीब औरतों पे पड़ा जो पेड़ पे बच्चे बांधे पत्थर तोड़ रही थी। वहीं के एक कर्मचारी ने बताया जिस रास्ते पे आप गाड़ी में बैठे इन खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं उन रास्तों को ही ये औरतें चौड़ा कर रही हैं और कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उसके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं और यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हाथ से भी घट जाते हैं। इन बातों को सुनकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह पर आम जीवन की कहानी एक सी ही है। गैंगटॉक से निकली लेखिका अपनी दोस्त मड़ी और ड्राइवर जितेंद्र नारगे के साथ आखिरकार 117 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद लायुंग पहुँचती हैं जहाँ उन्हें स्नोफॉल देखना था, लेकिन पॉल्यूशन के कारण वहाँ स्नोफॉल देखने को मिला ही नहीं और ये देख लेखिका उदास हो जाती हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि हमने एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूट कर दिया है। लेखिका कहती हैं हम मैदानी लोगों के लिए तो स्नोफॉल जन्नत से कम नहीं और उसे देखे बिना उन्हें चैन नहीं आ रहा था। तभी वहीं के एक स्थानीय युवक ने बताया अगर आपको स्नोफॉल देखना ही है तो आपको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ की ऊंचाइयों में बसे कटाव जाना होगा जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बुरी बात ये थी कि कटाव जाने के लिए हमें अपना रूट बदलना होगा और फिर वापस से लायुंग आना होगा आगे का सफ़र जारी रखने के लिए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था इसीलिए यह अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था और हम कटाव की ओर निकल पड़े। लायुंग से कटाव का सफ़र 2 घंटों का था, लेकिन कटाव का रास्ता वो तो बड़ा ही खतरनाक था।
जितेंद्र नालगे अपने अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे और आखिरकार कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी। सभी लोग वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे और लेखिका वो तो वहां के वातावरण को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। और उस खूबसूरत वातावरण को देखकर लेखिका को यह एहसास होता है कि ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने के लिए इस खूबसूरत वातावरण ने ही प्रेरणा दी होगी। और वो कहती हैं, ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। उस खूबसूरती को देखकर लेखिका की मित्र मड़ी, जिसने स्विट्जरलैंड भी घूमा था, वो कहती हैं ये तो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और उस खूबसूरत वादियों को देखकर मड़ी के अंदर की लेखिका भी जाग उठती हैं और उन्होंने कहा, प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती हैं और गर्मियों में उसे पिघलाकर जल धारा बनाकर हम लोगों की प्यास शांत करती हैं। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। हम तो इन बर्फ की पहाड़ों और नदियों के रीढ़ी हैं जिन्हें पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सेना के फौजी भी दिखाई देने लगे। चूंकि ये बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा भी थी, लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। उन्हें यह एहसास हुआ, जब मार्च में इतनी ठंड है तो दिसंबर और जनवरी की जमाने वाली ठंड में वहाँ वो किस तरह रहते होंगे। वहाँ तो जाने का रास्ता भी बड़ा खतरनाक था। खैर, आखिरकार लेखिका मधुकन कारिया जी कटाव से वापस लायुंग लौट आईं और युमथांग की ओर निकल पड़ीं। लायुंग से 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन युमथांग पहुंच ही गईं। लेकिन युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत मंजिल तक पहुँचने का सफ़र होता है। वैसे आप इस खूबसूरत सफ़र में किसके साथ इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेना चाहोगे, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। ऑल दो साना साना हाथ जोड़ी का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर, जो कि लेखिका एक नेपाली लड़की से सीखी थी। तो चलो इस चैप्टर कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। गैंगटॉक में सफ़ेद सफ़ेद श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? ऑप्शन ए, शांति के अवसर पर। ऑप्शन बी, त्यौहार के अवसर पर। ऑप्शन सी, शोक के अवसर पर। या ऑप्शन डी, युद्ध के अवसर पर। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी, शोक के अवसर पर। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था? ऑप्शन ए, जितेंद्र नारगे। ऑप्शन बी, आमोद संगमा। ऑप्शन सी, अलाप देव। या ऑप्शन डी, विक्रम करियप्पा। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए, जितेंद्र नारगे। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। युमथांग गैंगटॉक से कितनी दूर है? ऑप्शन ए, 146 किलोमीटर दूर। ऑप्शन बी, 148 किलोमीटर दूर। ऑप्शन सी, 149 किलोमीटर दूर। या ऑप्शन डी, 152 किलोमीटर दूर। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 149 किलोमीटर दूर। और ये रहा आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? ऑप्शन ए, बहादुर व्यक्तियों का। ऑप्शन बी, ज्ञानी लोगों का। ऑप्शन सी, मेहनत कश बादशाहों का। या ऑप्शन डी, प्राचीन रीतियों का। आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी, मेहनत कश बादशाहों का। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।